वाला निशान है, जो लात वाला है वो तो मिट गया उसी दिन का गरीब था। क्या नाम आपका? सरोज। कहाँ पे आप आई, क्या समस्या है? समस्या सर हमारा यहाँ, हम कोतवाली आए हैं सर। हमारा गांव फ्रेनिया है और हमारे पति कोनो जय चौबे के भाई उदय प्रताप हमारे पति को उठा कर ले गए हैं अपने आदमी से और वहाँ ले जाकर मारे पीटे हैं। क्यों मारे पीटे हैं? मारे पीटे, हमारा लड़का कुछ फेसबुक पर डाल दिया था। अब हमें तो ये नहीं पता था कि क्या डाला है। तो आप लोग इस समय कहाँ पे आए हैं? इस समय हम खलीलाबाद कोतवाली में हैं। तो क्या कहे यहाँ पे लोग? अप्लीकेशन दे दिए, अभी तो साहब कुछ कहे नहीं है। मेडिकल करवाए? मेडिकल भी नहीं अभी हुआ है। क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पे? क्या कहें, कहें कि देखेंगे, अगर जांच होगा तो जांच करा कर कहेंगे, नहीं आपके लड़के की भी साथ FIR होगा, गलती किया है। फूलचंद मौर्य सर। कहाँ पे आए हो, क्या समस्या थी आपकी? समस्या आया था कोतवाली पे, समस्या हमको, चलो शादी हिंच के ले गए हैं, घर पर हिंच के ले गए, हमारे वो हैं बहुत ज्यादा। हाँ, भिटाहा पर। किसके भाई हैं ये? कौन ये उदय प्रताप? ये तो जय चौबे विधायक के भाई हैं। क्यों मारे हैं ये लोग? बस बच्चा गलती कर दिया था, बच्चा का पासबुक भेजा था मोबाइल पर, हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा था। तो कहाँ ले गए थे? ये तो हमको ले गए थे पर्वता भिटाहा का घर है। घर पे ले गए? घर पर ले गए थे। तो वहाँ पे क्या किए? वहाँ पर हिच करके सब लोग, तो 10-12 लोग थे, ये सब लोग लातन जूता डंडा से पीटना शुरू कर दिए। तो कोतवाली किस लिए आए थे आप? हम आए थे FIR करना कराने के लिए। तो एप्लीकेशन दिया आप? एप्लीकेशन देने के लिए। तो क्या यहाँ पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि ठीक है, हम एक जांच करेंगे, उसके बाद तो हम इसका रिपोर्ट। मेडिकल कराई आपका? मेडिकल नहीं हुआ सर। क्या कह रही है उस पर? इसका जांच करने के लिए, अभी जांच करेगी, उसके बाद तो मेडिकल। एक प्रार्थना पत्र IGRS के माध्यम से यहाँ प्राप्त हुआ था, जो कि कंप्यूटर आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, उस पर यह मार्क हुआ है क्षेत्र अधिकारी खलीलाबाद को जांच के लिए। इसमें एक ट्वीट को लेकर के विवाद होना और उसमें मारपीट होने के आरोप लगाए गए हैं, और यही प्रार्थना पत्र अभी जानकारी मिली कि थाना खलीलाबाद पर भी प्राप्त हुआ है। इसमें प्रभारी निरीक्षक द्वारा और IGRS के प्रार्थना पत्र के क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद के स्तर से जांच की जा रही है। यदि जांच से आरोप सही पाए जाएंगे तो आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोप है अपहरण करके विधायक के भाई अपने घर ले जाके तब मारे पीटे हैं। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है, इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे वैधानिक कार्रवाई।